Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start our new unit, geometry. In this, firstly we will do the shapes. आपने ये पहले second class में भी किया हुआ है shapes के बारे में. आपको वहाँ भी मैंने shapes बनानी सिखाई थी, उनके faces, name, उनके sides, corner, vertices, ये सब आपको समझाए थे. वही सब हम दोबारा discuss करेंगे और आपको ये अपने notebook में करना है. Firstly, दिस इज़ अ शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होती है? विच हैव फोर साइड. साइड्स होती हैं ये जो साइड लाइन्स होती हैं जिसको मैं ये कलरिंग कर रही हूँ. दिस आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, जिसकी फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स होते हैं. एंड विच हैव इट्स लेंथ एंड ब्रेथ डिफरेंट, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमेशा डिफरेंट लेते हैं. लेंथ और ब्रेथ का मतलब हमारा क्या है कि जिस जो ज़्यादा लंबी हो और चौड़ी कम हो. ठीक है, मतलब एक लेंथ उसकी ज़्यादा हो और एक कम हो. क्लियर? लाइक योर ज्योमेट्री बॉक्स. ज्योमेट्री बॉक्स अगर आप देखें, आपका एक तरफ से वो कम साइज का होता है और दूसरी तरफ से लंबा होता है ना, तो उसका अगर हम सिर्फ ऊपर पोर्शन की बात करें तो वो हमारा किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में. सो इट हैज़ फोर साइड्स, और कॉर्नर्स होते हैं कोने, जहाँ पर दो साइड्स मीट करती हैं. दीज कॉर्नर्स आर कॉल्ड, दीज आर द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल. सो दिस इज अ रेक्टेंगल विच साइड्स आर फोर एंड कॉर्नर्स आर फोर. सिमिलर इज द स्क्वेयर. स्क्वेयर भी सेम होता है, विच हैव द फोर कॉर्नर्स होते हैं एंड फोर साइड्स, एंड ऑल द साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ. इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो सेम ही लेंथ की होती है, दैट इज अ स्क्वेयर. देन आफ्टर दिस ट्राइंगल. ट्राइंगल विच हैव द थ्री साइड्स, जिसकी हमारी साइड्स कितनी होती हैं? थ्री. एंड कॉर्नर्स आर ऑल्सो थ्री. इट इज़ ऑल्सो अ क्लोज फिगर. ये सब क्लोज फिगर मतलब बंद होती हैं, ये फिगर कहीं से ओपन नहीं होती. क्लियर? सो दिस इज अ ट्राइंगल. नेक्स्ट इज अ सर्कल. सर्कल लाइक आपने देखा होगा, मम्मा की बैंगल देखी होगी आपने. मम्मा की बैंगल किस शेप में होती है? गोल होती है ना, दैट इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल. क्लियर? आपके हाथ में भी, आप में से काफ़ी बच्चों ने कड़े पहने हुए होते हैं, दैट इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल. क्लियर? ये आप अपनी डेली लाइफ में भी ये शेप्स आप देखते हो. क्लियर? सो दिस इज अ सर्कल. अब साइड क्या होती है? साइड होती है बिल्कुल जो सीधी सीधी लाइंस होती हैं, जो बाहर की बाउंड्री होती है, मतलब मेन जो बाहर की उसकी कोने होते हैं वो हमारी साइड बनाते हैं. तो अब इसके अंदर कोई आपको लेंथ नहीं दिख रही, स्ट्रेट लाइन होती है. स्ट्रेट लाइन इज अ साइड, बिल्कुल सीधी लाइन होती है जो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है. सो इट हैज़ नो साइड, इसकी कोई साइड नहीं है. कॉर्नर क्या थे? आपको बताया था, जहाँ पे टू साइड मीट करती है. कोने, क्या आपको इस सर्कल का कोई भी कोना दिख रहा है? नहीं दिख रहा. सो इट्स कॉर्नर्स आर ऑल्सो जीरो. क्लियर? नेक्स्ट इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड बनता कैसे है? फर्स्टली आप क्या कीजिए, क्यूबॉइड क्या होता है? हमारा रेक्टेंगल का यूज करके बनता है. रेक्टेंगल का आपको बताया था कि लेंथ ज़्यादा होती है और ब्रेथ कम, एक साइड ज़्यादा होती है और एक कम होती है. तो हम इसका यही करते हैं, हमने ये टू बॉक्स का ले लिया और यहाँ हमने फोर बॉक्स का ले लिया. एक रेक्टेंगल बना दी हमने. क्लियर? फर्स्टली मेक द रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल बन गई हमारी. देन आपने ये वन बॉक्स का छोड़ के ऐसे ऐसे ये फोर पॉइंट्स और बना दिया आपने, इसके ऊपर की तरफ बना दिया. अब इन फोर पॉइंट्स को मीट कर दो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. बना दी, दोनों रेक्टेंगल बन गई. अब ये दोनों रेक्टेंगल के ये दोनों कॉर्नर्स आप मीट कर दीजिए. दिस इज द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स का मैंने क्या कहा था, सिर्फ अपर पोर्शन हम लेते हैं वो रेक्टेंगल है, बट अगर हम पूरी ज्योमेट्री बॉक्स की, क्यूबॉइड और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है कि क्यूबॉइड की थिकनेस हो जाती है. बनता वो रेक्टेंगल्स का यूज करके ही है, लेकिन वहाँ क्या होते हैं, उसकी थिकनेस हो जाती है. रेक्टेंगल एक प्लेन पेपर ले सकते हैं हम, प्लेन पेपर होते हैं आपके नोटबुक के पेजेस होते हैं, वो हमारे रेक्टेंगल शेप के होते हैं. लेकिन हम अगर पूरी नोटबुक, जैसे अब इस नोटबुक की बात करें, अब अगर इस नोटबुक का मैं सिर्फ ये पेज की बात करूं, दिस इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल. इसकी आप देख रहे हो कि ये साइड कम है और ये साइड ज़्यादा है. क्लियर? फोर साइड्स हैं और इसके फोर कॉर्नर्स हैं. सो दिस पेज इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. बट अगर मैं इस नोटबुक की बात करूं, अब इस नोटबुक की एक थिकनेस हो गई, एक मोटाई हो गई, पेज की कोई थिकनेस नहीं थी. इसकी भी एक हमारी लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक साइड हमारी बड़ी है, एक साइड छोटी है. इसकी साइड्स क्या थी? कॉर्नर्स वाली साइड्स बताई थी ना, बाउंड्री. सो दीज आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल. और ये क्या होते हैं? हमारे कॉर्नर, कोने होते हैं ये.
क्लियर। तो अब क्यूबॉइड की शेप में क्या हो जाता है, थिकनेस आ जाती है। अब अगर हम इस क्यूबॉइड शेप की बात करें, देखो जैसे हमने उसके अंदर साइड फेसेस वगैरह किया था, बट ये आ जाती है हमारी थ्री डायमेंशन फिगर होती हैं कि जिनको हम नोटबुक पे प्रॉपर ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते। हम एक विजुअल शेप तो जरूर बना देते हैं बट वो प्रॉपर शेप हमारी नहीं हो पाती, वो हम एक्चुअल एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे मैं अब आपको ये नोटबुक का बता रही हूँ। तो अब इस नोटबुक के सबसे पहले बात करते हैं फेसेस की। फेसेस का मतलब होता है हिस्से, कि कितने इसके पार्ट्स हैं, फेसेस हैं। देखो एक ही अपर पार्ट 1, दूसरा ये लोअर पार्ट 2, उसके बाद ये पार्ट 3, देन दिस वन 4, एंड देन दिस वन 5, एंड देन दिस वन। तो कितने फेसेस हो गए इसके, 6 फेसेस। अब बात करते हैं एजेस की। जैसे आपकी साइड्स होती है ना, हमने बताया था जो स्ट्रेट लाइन होती है, तो ऐसे ही आपकी एजेस होते हैं, एजेस को ही हम साइड्स कहते हैं, ठीक है। एजेस कन्वर्ट हो जाते हैं ये थ्री डायमेंशन फिगर के अंदर, जो शेप्स हमारी थिकनेस वाली होती हैं। तो अब एजेस अगर हम इसकी बात करें, इसकी एजेस देखो कैसे बनेगी। एक लाइन इसकी ये है, एक लाइन इसकी ये है, एक लाइन ये वाली बन रही है, एक लाइन इसकी ये बन रही है, 4 लाइंस हो गई। सिमिलरली अब यहाँ काउंट करो, 5 ये वाली लाइन, 6 ये वाली लाइन, 7 ये वाली लाइन, ऐसे ही ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। आप इसकी सारी अगर लाइंस को काउंट करेंगे तो वो हमारी किस शेप में हो जाती है, हमारी क्यूबॉइड शेप में हो जाती है। सो इट हैज़ द 12 एजेस, क्लियर। ऐसे ही हम इसके वर्टिसेस के कोने की बात करें तो इसके कॉर्नर्स कितने आ जाते हैं हमारे, 8। आपको यहाँ भी देखो क्लियरली दिख रहा है, दीज आर द साइड्स, इनको आप काउंट करके देखोगे दीज आर 12, एंड वर्टिसेस क्या होते हैं, कोने, आपको मैंने भी बताया थे 1, 2, 3 जहाँ ये मीट करी थी, तो ये कितने हैं हमारे, 8 कॉर्नर्स हैं, क्लियर। सेम इज द शेप ऑफ क्यूब, क्यूब की भी सेम होती है, बस फर्क क्या होता है, ये स्क्वेयर्स का यूज करके बनती है, क्लियर। स्क्वेयर शेप का, स्क्वेयर शेप आपने अभी की थी, ठीक है। स्क्वेयर शेप में हमारा क्या था, साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसके अंदर भी ये होता है कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब सेम होती है, कुछ अलग नहीं होता, क्लियर। बाकी सब प्रोसीजर इसका क्यूबॉइड वाला रहता है। नेक्स्ट आता है सिलेंडर। आपने अपने घर में सिलेंडर शेप देखी हुई है, तो वही बस सिलेंडर शेप होती है। इसके अंदर इसकी क्या होती हैं, जो ये है ये मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, और यहाँ क्या होती है, ये सर्कल शेप्स होती हैं। आपने देखा होगा ना अपने घर में सिलेंडर, ये 2 जो अपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये दोनों हमारी सर्कल शेप्स में होते हैं। तो अब फेसेस की बात करें, अब एक फेस तो हो गया सर्कल सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, और एक जो ये ऐसे हमारा कर्व्ड हिस्सा होता है बीच वाला। तो कितने फेसेस हो गए इसके, 3 फेसेस। अब बात करते हैं एज की। एज होती है हमारी इसकी, ये जो सर्कल ने ये शेप बनाई है, ये तो ये 2 हमारी एजेस हो गई। वर्टेक्स इसका कोई कॉर्नर नहीं होता, इसमें आपको चाहे कॉर्नर लग रहा हो, लेकिन अगर आप एक्चुअल सिलेंडर देखते हो तो देखते हो उसके अंदर कोई कॉर्नर नहीं बनता, तो वर्टेसेस आर 0, वर्टेक्स को ही कॉर्नर कहा जाता है। नेक्स्ट इज द कोन। कोन क्या होता है, आपने बर्थडे कैप देखी होगी ना, बर्थडे कैप आप लाते होगे अपने, या सॉफ्टी होती है, कोन होता है जो आपका, कोन भी बोलते हो आप उसको, सॉफ्टी भी बोलते हो, है ना। तो वो जो शेप होती है वो बर्थडे कैप की, दैट इज अ कोन शेप, उसको हम कोन शेप नाम देते हैं। वो कैसे होती है, हमारी ऐसे ऊपर से उसका हिस्सा यूं मुड़ा हुआ होता है और नीचे से क्या सर्कल बना हुआ होता है। तो फेसेस कितने हो गए, एक तो ये जो मुड़ा हुआ है और एक नीचे का जो प्लेन फेस है, तो 2 फेसेस हो गए। एज, एज क्या होती है, जो ये इसकी सर्कल वाली है एज, दिस इज द एज ऑफ कोन, क्लियर। एंड इसका कॉर्नर क्या होता है, जो ये ऊपर वाला बनता है, क्लियर। तो इट हैज़ 1 वर्टेक्स एंड 1 एज एंड 2 फेसेस। नेक्स्ट स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, फुटबॉल देखी होगी आपने, वॉलीबॉल हो गई, ठीक है, फुटबॉल है हमारी, सिंपल जो क्रिकेट बॉल हो है, ये सब हमारी जो शेप होती है ये स्फीयर की शेप होती है। सर्कल के अंदर सिर्फ एक गोल होता है, उसकी कुछ थिकनेस नहीं होती, बट स्फीयर के अंदर एक मोटाई होती है ना बॉल की, तो वो होता है। तो उसका फेस कितना हुआ, फेस मतलब हिस्सा तो उसका एक ही है जो वो पूरा मुड़ा हुआ है, कोई कॉर्नर नहीं होता, कोई सीधी लाइन नहीं होती। सो वर्टेक्स एंड एजेस आर 0। सो यू हैव टू डू ऑल दिस शेप्स इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।